Hello friends, welcome to PG Tech. I am Dr. Ike Nanda. और इस चैनल में हम एक स्टूडेंट या एक टीचर को जो सब बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए उसी बारे में बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में किस तरह से एक जीप फाइल को अनजीप करेंगे सीखेंगे, या फिर अगर आपके पास कुछ फाइल है जिसे आप जीप फाइल बनाना है तो भी आप उसे कैसे कर पाएंगे वो भी देखेंगे। ज्यादातर इंडिया में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज कर लेते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करने से क्या होता है कि आपके जो डाटा होता है वो लीक हो सकता है। आप अपने कंप्यूटर में बैंक के ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे होंगे, तो वो सब कुछ डाटा लीक हो सकता है। इसलिए हमारे कंप्यूटर में हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आज की दुनिया में आपको जो भी चाहिए होता है उसी का एक फ्री और जेन्युइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, बस उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और हम हमारे चैनल में इसी बारे में ही बात करते हैं। हम उसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए बहुत नेसेसरी होता है और ज्यादातर वो फ्री होता है और सेफ होता है। तो इस जीप और अनजीप करने के लिए भी हम एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि जीप फाइल क्या होता है। मान लीजिए अगर आप कोई दुकान में गए और वहां से कुछ सामान खरीदे, तो सारे सामान को तो आप अपने हाथ में लेकर तो नहीं आ सकते, एक बैग में उसे रखकर हम उसे लेकर आते हैं। उसी तरह से अगर मल्टीपल फाइल्स होगा और उसे एक जगह से दूसरे जगह को लेना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसे सब फाइल को एक फोल्डर के अंदर जिप कर सकते हैं, उसी को हम जिप फाइल कहते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो उन फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर जिप कर देते हैं, और ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो वो जीप फाइल्स को अनजीप करते हैं, जो कि हमें हमारे रिलेवेंट जो फाइल्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड कर पाते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप अपने ब्राउजर में जाइए, यहाँ पर इस वेबसाइट में जाइए। मैं ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का नाम है 7zip। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2019 का कुछ वर्सन है, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं 2020 का वर्सन है, और फिर ये 32 बिट 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो अपने सिस्टम के अनुसार अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 32 बिट के लिए डाउनलोड कीजिए, अगर आपका 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 64 बिट के लिए डाउनलोड कीजिए। ये exe फाइल है, तो जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर में एक exe फाइल को डाउनलोड करते हैं उसी तरह से आप उस डाउनलोड में क्लिक कीजिए और उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। ये बहुत इजी हुआ, मैंने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको इस सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन दिखाता हूँ। तो इस वेबसाइट में हम नीचे चल के देखते हैं, ये कुछ लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फिर यहाँ पे नीचे आप देखिए यहाँ पर 7zip का फीचर्स दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है ये कौन कौन से फॉर्मेट को पैकिंग और अनपैकिंग कर सकता है। यूजुअली हम बहुत कम फाइल एक्सटेंशन के बारे में जानते हैं जो ये जीप फाइल होता है, जैसे कि एक है ये जीप, और ज्यादातर लोग जो जानते हैं वो है ये रार। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे फाइल फॉर्मेट होते हैं जिसके अंदर हम हमारे फाइल को जीप करके रख सकते हैं। तो ये जो 7zip है, यहाँ से यहाँ तक इतने फाइल फॉर्मेट को वो पैकिंग भी कर सकता है और अनपैकिंग भी कर सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इतने फाइल फॉर्मेट को ये ओनली अनपैकिंग कर सकता है। इसका मतलब ये फाइल फॉर्मेट में ये पैकिंग नहीं कर सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जीप फाइल है, इस फाइल का हम पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, फिर आप देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्लिक करने से हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको प्रॉपर्टी देखने के लिए एक शॉर्टकट की भी बताता हूँ।
आप जिस फाइल का प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं उसी फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए Alt Enter। तो देखिए उस फाइल का प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो गया। फिर यहाँ देखिए ये फाइल टाइप है, ये है .zip फाइल। ओके, यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो जिस फाइल को आपको अनपैकिंग करना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है 7zip। जब आप 7zip को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करने से ये ऑप्शन आपके आ जाएगा। फिर देखिए इसके ऊपर क्रसर लाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर इसी फोल्डर में हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर में क्लिक कीजिए, तो देखिए ये दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लोगो था और एक डॉक्यूमेंट था। हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके देख लेते हैं। अगर आपको इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक डिसलाइक कुछ नहीं करते, अगर एक लाइक करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर आप डिसलाइक करेंगे तो हमें पता तो चलेगा कि हमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करके जाइए, कुछ तो कीजिए। ओके, फिर हम उसी सॉफ्टवेयर को यूज करके इस दोनों को पैक करके हम दिखाएंगे। तो पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। ये देखिए अब दो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, तो हम इसे जिप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे पहले, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 7zip का, तो इसके ऊपर जाने से यहाँ देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है, ये देखिए एड टू जिप फोल्डर .7z और नीचे और एक है एड टू जिप फोल्डर .zip। इसका मतलब ये दोनों टैब को क्लिक करके हम इसे जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो वो .7z के फॉर्मेट में जिप हो जाएगा, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो .zip के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं .zip में, तो देखिए यहाँ पर एक zip फोल्डर खुल गया। अगर इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो हम यहाँ पर Alt Enter प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये फाइल टाइप है जो है ये .zip फाइल। तो आपने देखा किस तरह से हम एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर को यूज करके हमारे कंप्यूटर में हम किसी भी फाइल को अनजिप कर सकते हैं। और हमारे पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है और हमें उसे दूसरे किसी के पास भेजना है तो हम उस सब को जिप करके भी उसके पास भेज सकते हैं उसी सॉफ्टवेयर के मदद। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और सब्सक्राइब की साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए। अगर उस बेल को प्रेस करेंगे तभी जाकर मेरे किसी भी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना। नेक्स्ट हम और एक वीडियो लेकर आएंगे और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।